देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का आज जन्मदिन है। गांधी नेहरू परिवार के पैतृक निवास आनंद भवन में आज विशेष तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के अलावा स्थानीय लोगों ने उनका जन्मदिन मनाया है। आप देख सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति पर माल्यार्पण किया जा रहा है, लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बात करते हैं कांग्रेस के कुछ नेताओं से। आज का दिन कांग्रेस के लिए हमेशा विशेष रहा है, और क्या संकल्प आज कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ से लिया है? देखिए, आज हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद करते हैं, आज याद करने के बाद आज संकल्प लेते हैं कि यहाँ से कांग्रेस को पुनः जन्म करना है, जीवित करना है, और जब तक गांधी परिवार से यहाँ पे कोई लड़ेंगे तभी यहाँ से कांग्रेस मजबूत होगी और कांग्रेस तभी आगे बढ़ेगी जब यहाँ पे उनका प्रतीक जो निवास स्थान है यहाँ से इलाहाबाद फूलपुर जो सीट है वहाँ से गांधी परिवार के कोई भी सदस्य अगर लड़ता है तो उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में आ जाएगी और फिर हम लोग यहाँ से सीट जीतने की पूरी संभावना हम लोग की बनी। आप लोग किसको चाहते हैं, प्रियंका गांधी को? प्रियंका गांधी लड़ती हैं तो बहुत बेस्ट हैं, या राहुल गांधी, या गांधी परिवार से कोई भी हो। जैसे वरुण गांधी अगर कांग्रेस में आते हैं तो वरुण गांधी भी अगर यहाँ से लड़ेंगे तो जीत निश्चित ही उनको मिलेगी। आपसे जानना चाहेंगे आपको क्यों लगता है कि फूलपुर की सीट कांग्रेस परिवार के लिए एक तरीके से नया जीवन देती है, और इस बार इसलिए देती है कि जवाहरलाल नेहरू जी की वो सीट थी, कांग्रेस की परंपरा सीट थी फूलपुर, और हम लोग बराबर जो है फूलपुर में बाहुल भी है, ये पड़ता है इलाहाबाद तक शहर तक, और उसमें बिल्कुल निश्चित जो है प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, कोई भी खड़ा हो वरुण गांधी जी, बहुत मार्जिन से जीतेंगे ये लोग। कांग्रेस हाईकमान से आप इसको लेकर क्या प्रस्ताव ही को रखेंगे सामने? अच्छा, हम लोग यहाँ से भेजेंगे भी प्रस्ताव भी भेजेंगे कि बस ये चाहते हैं कि गांधी परिवार से कोई भी, उनके परिवार का कोई भी सदस्य हो, या रॉबर्ट वाड्रा हो, या कोई भी हो जो भी उनसे जुड़ा हुआ हो, अगर यहाँ से लड़ेंगे तो जीत निश्चित होगी, उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत कांग्रेस अपने स्थिति में आ जाएगी। जी, तो आप देख सकते हैं ये आनंद भवन है और पंडित जवाहरलाल नेहरू की यहाँ पर पुण्यतिथि मनाई जा रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पर नेता मौजूद रहे हैं, और आज इन्होंने संकल्प भी लिया है कि अगर कांग्रेस को रिवाइव करना है अगले लोकसभा चुनाव में तो निश्चित रूप से उन्हें वापस गांधी नेहरू परिवार की तरफ लौटना होगा, और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, या गांधी नेहरू का परिवार का कोई भी सदस्य हो उन्हें इस बार प्रयागराज की फूलपुर सीट से उम्मीदवार बनाना होगा ताकि कांग्रेस का एक तरीके से पुनर्जीवन हो सके। दिनेश सिंह, TV9 UP, आनंद भवन, प्रयागराज। पंडित नेहरू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पंडित नेहरू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पंडित नेहरू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पंडित नेहरू अमर रहे, अमर रहे।